हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब हैं। अब्दुल रहमान साहब का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है, आप आईपीएस ऑफिसर थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन में आईजी थे और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जब ये बिल की शक्ल में था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हुआ करता था ये, उसके विरोध में आपने इस्तीफा दिया। हालांकि वो रिजिग्नेशन अब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। आप ऑथर भी हैं डिनाइल एंड डिप्रिवेशन आपकी बुक है। और तो हम इनसे बात करेंगे अभी जो पूरे देश का माहौल है और जो मूवमेंट चल रहे हैं पूरे कंट्री में, और उस मूवमेंट पे जो लगातार पुलिस का क्रैकडाउन हो रहा है, स्पेशली कैंपस में जो पुलिस का क्रैकडाउन हो रहा है और पूरे कंट्री में जो पुलिस का रूल है, उस पे हम आपसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने का। शुक्रिया। सर मुझे ये बताइए कि ये जो प्रपोज्ड एनआरआईसी है और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इन प्रोटेस्ट को कर्व करने के लिए जो पुलिस का एक्शन हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो CAA आया, पहले ये CAB था, अब ये CAA हो चुका है, यह पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनह्यूमन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं उसके खिलाफ है। आर्टिकल 14, 15, 21, 25 उनको ये वायलेट करता है और ओपनली लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ये डिस्क्रिमिनेट करता है। तो लोग इसके अपोज में उतरे हैं। फिर लोगों को लगता है, बार बार यह कहा जाता है कि पहले NRC आएगा, फिर CA आएगा, फिर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। तो ये जो CNRC जो है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो ये एक्सरसाइज होगा, ये एक्सरसाइज करने के बाद जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको तो सहरियत दी जाएगी, जो लोग शामिल नहीं होंगे उन पर CAA लागू किया जाएगा और जो लोग बचेंगे, अब सरकार पता नहीं क्या करेगी, उनको डिटेंशन सेंटर में डालेगी या किसी कहीं और उनको भेजेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये जो दो चीज़ें हैं, जब ये दोनों मिलती हैं तो एक बहुत ही ख़तरनाक एक कॉम्बिनेशन बनता है, ख़ास करके हमारे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए। इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब लोग इसको अपोज कर रहे हैं, तो मैंने ये बार बार कहा है कि लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है इसको अपोज करना, और हमने हर जगह देखा है कि लोग पीसफुली इसको अपोज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे में रह करके अपोज कर रहे हैं। लेकिन हम हर बार ये लोगों को सलाह भी देते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए, पीसफुल वे में होना चाहिए, लेकिन जहां भी थोड़ा सा लोगों ने गलती की, वहां पे जो फोर्स का जो यूज़ हुआ है, खास करके BJP रूल्ड स्टेट्स हैं, दिल्ली में जो पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, UP का अपने एग्जाम्पल आपके सामने है, कर्नाटक का एग्जाम्पल आपके पास है, पुलिस ने जो फोर्स यूज किया वो डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स था। जामिया को हमने देखा कि जामिया में कैसे बच्चों को लाइब्रेरी से निकाला गया, मस्जिदों से निकाला गया, उनके हॉस्टल से निकाला गया, एक एक स्टूडेंट को 10-10 20-20 पुलिस उनको मार रही थी। तो मेरा यह मानना है कि जब हम इस तरह के जो सिविल प्रोटेस्ट को जब हम हैंडल करते हैं, तो रूल ये है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स यूज होना चाहिए, यानी हम मिनिमम फोर्स यूज करके लोगों को किस तरह से हम शांत करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि पुलिस का जो रवैया था वो बिल्कुल ही डिस्प्रोपोर्शनेट था और लोगों पे जिस तरह से अत्याचार हुए और लोग आकर के बाहर ये बता रहे हैं, ये ठीक नहीं था। चूंकि आप पुलिसिंग में आपका एक लंबा वक्त गुजरा है, हालांकि आपने जो रेजिग्नेशन दिया, अभी बहुत सर्विस बाकी थी, 17 साल की सर्विस बाकी थी, बहुत ऊपर तक जाना था, लेकिन पुलिसिंग को आपने एक लंबे वक्त तक बहुत नजदीक से देखा है जी। ये जो आप खुद कह रहे हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स हुआ, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जब एक दिन प्रोटेस्ट हुआ, बहुत जगह वो प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गया, लेकिन उस पे जिस तरह का क्रैकडाउन उसके रिस्पांस ने पुलिस ने किया, घर में घुस के पूरी वैंडलिज्म कर दिया, हर चारों तरफ हम लोग कहते वहां देखा हमने,
बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बहुत फिंसी ग्राउंड पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये क्यों हो जाता है? ऐसी उग्र पुलिस हो कैसे जाती है? क्या उसका रीजन, उसकी वजह क्या आपको दिखती है? देखिए, मैंने जहां तक यूपी पुलिस का जो रिस्पांस है अगेंस्ट द प्रोटेस्टर ऑफ CANRC हमने देखा, खास करके यूपी में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लोग जो रास्ते पे उतरे थे CA और NRC को अपोज करने के लिए उतरे थे, उसका विरोध करने के लिए उतरे थे, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से लोगों को मारा गया, पीटा गया, लोगों को गोलियां चलाई गई, पुलिस का जो कमेंट आया, लोगों को नोटिसें दी गई, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं मानता हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टियाँ आती हैं, पार्टियाँ चली जाती हैं, लेकिन पुलिस का जो काम है वो इम्पार्शियल होना चाहिए। पुलिस को IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट और हर स्टेट के जो मैनुअल है वो मैनुअल के मुताबिक काम करना चाहिए, इम्पार्शियल होकर के काम करना चाहिए और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि यूपी में वो यूपी की पुलिस नहीं थी, वो योगी जी की पुलिस काम कर रही थी, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मेरा यह मानना है कि इस देश के जो न्यायप्रिय नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक हो, वो आगे आए और यह डिमांड करें कि इसका जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, और जुडिशियल इंक्वायरी के बाद अगर लोगों की गलती है तो उनको कानून के मुताबिक उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन अगर पुलिस ने गलती की है तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं पनिश किया जाना चाहिए। सर, फिर हम आपको पीछे उसी सवाल पे ले चलते हैं कि यूपी में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए लगातार वन बाय वन। एक IPS ऑफिसर का ऑडियो वायरल हुआ, वो बिजनौर के SP थे, उनका ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हुए पाए गए कि एक भी पत्थर थाने में आ जाता है तो तुमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तुम मारो मारो इतना कि हाथ पांव तोड़ दो। इस तरह का एक केंद्र सरकार एक कानून लाई है, बिजनौर में रहने वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर पुलिस एक्शन में नहीं आती है और एक भी पत्थर थाने में पत्थर गिर गया थाने में तो CO सस्पेंड किए जाएंगे, SHO सस्पेंड किए जाएंगे। इस तरह का इंस्टिगेशन फ्रॉम नन अदर देन SSP ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। यूपी DGP बार बार रिकॉर्ड पे गए और उन्होंने कहा कि गोलियां नहीं चली हैं, गोलियां नहीं चली हैं, और इतनी सारी मौतें हो गई। बाद में उन्होंने उसको कुछ डेथ को एक्सेप्ट किया और कहा कि ये सेल्फ डिफेंस में चलाई हुई गोलियां थी। फिर मेरठ से एक वीडियो वायरल हुई जहां पे एक SP रैंक ऑफिसर, एक SP कह रहा है कि तुम खाते हो यहाँ के हो और पाकिस्तान के नारे लगाते हो, जबकि वो नारा लगा नहीं लगा। कैसे देखते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, क्या क्या कुछ चेंज आया है ओवरऑल पुलिसिंग में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, आपने जो कहा कि पुलिस ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के जो कमेंट आए, जो आपने ऑलरेडी कह चुका है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, ये गैर जरूरी कमेंट था, ये होना नहीं चाहिए था। और अगर एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर ने, मैं भी 22 साल मैंने नौकरी की है, मैंने भी लॉ एंड ऑर्डर हैंडल किया है, और कम्युनल सिचुएशन हो, लेबर सिचुएशन हो, फार्मर सिचुएशन हो, सब हमने हैंडल किया है। लेकिन जब आप वॉर जोन में रहते हैं, जब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आते हैं, यू हैव टू बी कंप्लीटली इम्पार्शियल, और हमने इस चीज़ को हैंडल किया है। जो कमेंट आया जो पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के पास से, सबसे पहले तो ये गैर जरूरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के दौरान इस तरह का कुछ कमेंट किया है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ आते हैं कि आपने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से वहाँ बिहेव किया, मैं मानता हूँ कि जो पुलिस का जो रवैया था, एक सर्टेन जो कम्युनिटी, जो मुस्लिम समुदाय है, उसके प्रति बहुत ही एक सांप्रदायिक रवैया था, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि पुलिस को इम्पार्शियल रहना चाहिए, पुलिस को कायदे कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल जो बॉसेस हैं उनके इच्छाओं को देख करके, उनके मन को पढ़ करके काम नहीं करना चाहिए।
दिल्ली की तरफ आते हैं सर, एक इंसिडेंट हुआ जेएनयू में, खुलेआम गुंडागर्दी हुई, 5 जनवरी की ये घटना है, नकाबपोश लोग 80 से 100 की तादाद कैंपस में घुसते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, रॉड है, स्टिक्स है, एक्स है, स्लेज हैमर है उनके हाथ में, पुलिस मेन गेट के बाहर खड़ी रहती है, उनको इंटर करने देती है, वो पूरा तांडव मचा लेते हैं, फिर उनको एक सेफ पैसेज देती है। दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस होने की हैसियत से, जो कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री है, वहां की पुलिस पे आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, जो जेएनयू की जो घटना हुई, आपको मालूम है कि जेएनयू एक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे फ्री डायलॉग, फ्री एक्सप्रेशन है, लोग एक दूसरे से कई कई घंटे किसी विषय पे चर्चा करते हैं। तो ये जो पहला, सबसे पहला जो अटैक है, इट इज़ ऑन एन इंस्टीट्यूशन और फ्री डायलॉग पे है, ये मैंने हर जगह लिखा है। जहाँ तक बात है जेएनयू की घटना की, मुझे ऐसा पता चला कि 3 बजे के आसपास वहाँ के स्टूडेंट्स ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि इस तरह के लोग कैंपस में इंटर हो सकते हैं और इस तरह के हमले हो सकते हैं। तो पुलिस वहाँ पे सबसे पहले नहीं पहुँची, ये पुलिस का फेलियोर है। और ऐसा पता चला कि पुलिस की निगरानी में ये मास्क जो गुंडा थे, ये घुसे और वहाँ पे जा करके लोगों पे हमला किए साबरमती आश्रम में। और फिर आपने जैसे देखा कि कैसे सेफ एग्जिट दिया गया उनको, वो बाहर आए, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो हमारे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये पूरी तरह से उनका फेलियोर है और उनकी कमज़ोरी है। उनको इम्पार्शियल होकर के इस पूरी घटना की इंक्वायरी करनी चाहिए। एफआईआर तो हो चुका है, एफआईआर में जो जो इन्वॉल्व है, जो जो गुंडे इसमें इन्वॉल्व है, उनको आइडेंटिफाई करके और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी इसको प्रूव कर रही है अभी, 4 दिन का इन्वेस्टिगेशन था उनका, और क्राइम ब्रांच के डीसीपी मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने कुछ पार्शियल डिटेल्स रिवील किया, शेयर किया मीडिया के साथ। जो कुछ भी, जितना डिटेल्स आई इन्वेस्टिगेशन की, जो आपने भी देखा होगा कि उन्होंने 11 लोगों का नाम या 9 लोगों का नाम रिलीज किया मीडिया में, 7 को लेफ्ट एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं और 2 राइट एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी उस फाइंडिंग के हिसाब से, जिसमें उन्होंने लेफ्ट का सारा बायोडाटा दे दिया, लेकिन राइट के स्टूडेंट के साथ सिर्फ उन्होंने स्टूडेंट का नाम दिया और उसके कोर्स का नाम दिया, दैट्स इट, इतना। वो किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस संस्था से जुड़ा हुआ है, इसका कोई डिटेल नहीं दिया। आपको अब तक के पुलिस के अप्रोच को देखते हुए क्या ये लग रहा है कि उसमें अब तक जो जांच हो रही है वो अनबायस जांच हो रही है, जो एक्सपेक्टेड होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से? अगर कोई एफआईआर हो गया है और उसकी तफ्तीश चल रही है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, तो पुलिस को ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो मीडिया के सामने आकर के, लोगों के सामने आकर के ये बताया कि हमने इतना इन्वेस्टिगेशन किया, इतना बाकी है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, ये लोग इन्वॉल्व नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा यह मानना है कि सबसे पहले पुलिस को इम्पार्शियल होकर के जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि पुलिसिंग के हिसाब से ये घटना, पुलिसिंग के हिसाब से एक सब इंस्पेक्टर को पूरी आज़ादी दे दी जाए तो 15 दिन के अंदर वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके वो पता लगा लेगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, किनको अरेस्ट करना चाहिए और किनको चार्जशीट करना चाहिए। लेकिन अब तक जो हुआ है इससे हमको संतुष्टि नहीं है। आपने कहा कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसके दूसरे दिन जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और जो पुलिस को जो दावे थे वो पूरी तरह से उन्होंने झुठलाया है। इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि एसआईटी काम कर रही है, लेकिन एक कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी होना चाहिए, तभी जा करके इसमें इंसाफ हो पाएगा। क्या आपको लगता है कि इंडियन पुलिसिंग में किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो अभी की सिचुएशन है जिसमें ये सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं, कैसे बदलाव की जरूरत है ओवरऑल पुलिसिंग में अक्रॉस कंट्री? देखिए, सबसे पहले तो ये बदलाव होनी चाहिए कि जो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं,
जो मिडिल रैंक ऑफिसर्स को कंट्रोल करते हैं, जूनियर रैंक ऑफिसर्स को कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले उनको इम्पार्शियल हो जाना चाहिए। जो पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो राजनीतिक जो हवाएं चलती हैं, उनको दरकिनार करके अगर वो काम करना शुरू कर दें तो 80-90% सुधार ऐसे ही हो जाएगा। बाकी अगर हम देखते हैं कि अगर कुछ सांप्रदायिक कंटेंट है, किसी तरह की कोई भावना है, तो ये सच्चर रिपोर्ट में भी ये बात आई थी कि पुलिस को कम्युनल हारमोनी के प्रति उनको ट्रेन किया जाए। हमारी देश में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसके प्रति पुलिस को ट्रेन किया जाए। हमारे जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एल्डरली हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके सर्टेन राइट्स हैं, वो राइट्स पुलिस को बताया जाए और बताया जाए कि इनको कैसे कॉम्पेंसनेट तरीके से, उनको कैसे एक संयम रख करके इनको कैसे हैंडल किया जाए। तीसरी बात यह है कि एक डिस्प्रोपोर्शन है, कोई इंसिडेंट है, एक छोटा इंसिडेंट हम ज़्यादा पुलिस को डिप्लॉय करते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बड़ा इंसिडेंट है, हम कम पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक एनालिसिस होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमने यूपी में रवैया देखा पुलिस का, दिल्ली में हमने देखा, जिस तरह से एसआर दारापुरी के साथ एक किस तरह से उनको ट्रीट किया गया, किस तरह से वहाँ पे जो एक विमेन एक्टिविस्ट थी उनको ट्रीट किया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस को एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। Thank you.